नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। आपको बता दें आज क्या कुछ उनके कार्यक्रम जो है वो रहने वाले हैं। शिक्षा आयोग के गठन को लेकर बैठक यहां पर लोकभवन में होगी, प्रेजेंटेशन बैठक, ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूपीपीवीएससी की नई वेबसाइट लॉन्चिंग होगी। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी बैठक लेंगे अधिकारियों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आज का कार्यक्रम शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक, लोकभवन में प्रेजेंटेशन बैठक होगी। और आपको बता दें कि यूपीपीएससी की नई वेबसाइट की भी आज लॉन्चिंग है। सड़क सुरक्षा के संबंध में सीएम योगी आज बैठक लेंगे। संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, जो बैठक आज जो होने वाली है उसको उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज शिक्षा आयोग के गठन को लेकर आज बातचीत होने वाली है। लोकसभा में बैठक चलाई गई है और शिक्षा में बदलाव को लेकर तो केंद्र की तरफ से शिक्षा नीति बची गई। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा थी कि यहाँ पर भी शिक्षा नीति में बदलाव किया जाएगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बैठक कर रहे हैं। शिक्षा आयोग के गठन को लेकर चर्चा है कि शिक्षा आयोग के गठन हो सकता है। इसको लेकर जो माध्यमिक शिक्षा है और जो अलग अलग जो शिक्षा के क्षेत्र है वहाँ पर शिक्षा के बदलाव किए जाए। आयोग गठन करने के बाद जो वहाँ आने वाली परेशानियां हैं उसको देखा जाएगा। फिलहाल ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद ही अभी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आयोग का गठन कब तक और किसके अध्यक्षता में होगा। बिल्कुल तौकीर, हालांकि इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम पर भी अगर देखा जाए तो शिक्षा आयोग के गठन को लेकर जो अधिकारियों के साथ बैठक होगी, उसके बाद लोकभवन में प्रेजेंटेशन बैठक होगी। कितने बजे ये बैठक जो है वो होने वाली है? देखिए, उसका समय 10:30 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि 11 बजे तक ये बैठक शुरू होगी। उसके कई अधिकारी जो शिक्षा से जुड़े हैं वो होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद इस बैठक में शामिल होंगे और प्रेजेंटेशन देखेंगे किस क्या रूपरेखा अधिकारियों ने बनाई है। और अगर आयोग का गठन किया जाता है तो उसके क्या बदलाव होंगे, जो छात्र हैं उनको क्या फायदे मिल सकते हैं आयोग के गठन के बाद, इस तरह के कई मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। उसके बाद एक आयोग के गठन को लेकर हरी झंडी भी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ये देख रहा है कि इसमें किसकी अध्यक्षता होती है, किसको अध्यक्ष बनाया जाता है इस आयोग का, ये एक बड़ा सवाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको यहां पर बताने जा रहे हैं लखनऊ से। आज से यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। बड़ी खबर, दिल्ली के कश्मीरी गेट से यात्रा शुरू होगी। दोपहर तक गाजियाबाद में प्रवेश कर जाएगी यात्रा। तैयारियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। फिलहाल आज यूपी में एंटर करने जा रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा। और फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी पूजा मोहन पांडे वहां का ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टिंग है वो वहां पर कर रही हैं और उन्हीं से हम यहां पर जानेंगे कि आखिरकार फिलहाल किस तरीके की तैयारियां वहां पर है, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि अब बेहद महत्वपूर्ण यहां पर होने जा रहा है। क्या कुछ पड़ाव इस यात्रा के रहेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। और पूजा हमारे साथ मौजूद है इस समय कश्मीरी गेट मरघट वाले हनुमान जी। दिन मंगलवार है और संदेश साफ तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश को कि आगाज दूसरे चरण का है और यहाँ से आगाज जो राहुल गांधी पर हमेशा से सवाल उठाए जाते रहे हैं कि हिंदुत्व के पक्ष में नहीं रहते हैं या बहुत सारी चीजें, मरघट वाले हनुमान जी मंदिर से आज स्टार्टिंग करी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों का हुजूम आप देख पाएंगे या यूं कहूं कि कांग्रेसियों का हुजूम आप देख पाएंगे। झंडे हैं, झंडों पर लिखा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा। और आपने राहुल गांधी को कहते हुए सुना होगा कि नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आया हूं। तो राहुल गांधी को आप अब से कुछ ही देर के बाद इन सड़कों पर देखेंगे। यहां से आगाज हो रहा है 108 दिनों के बाद दूसरे चरण का, और दूसरा चरण होकर गुजरेगा देश के दल यानी उत्तर प्रदेश से। वो उत्तर प्रदेश जो अपने आप में लोकसभा चुनाव हो या देश की सियासत हर मायने में अहमियत रखता है, वो उत्तर प्रदेश जहां पर अखिलेश यादव, स्मृति ईरानी, उनकी धुर विरोधी स्मृति ईरानी, अमेठी से सांसद, उनको भी निमंत्रण भेजा गया।
और एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि जब सबसे पहले मुझे निमंत्रण का ख्याल आया तो ना जाने क्यों मुझे स्मृति ईरानी का सबसे पहले ख्याल आया और मैंने स्मृति ईरानी को निमंत्रण भेज दिया। हालांकि स्मृति ईरानी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार भी किया। जब सपा की अगर बात करेंगे तो सपा ने उस निमंत्रण को न स्वीकार किया था न अस्वीकार किया था, लेकिन कल ही एक लेटर अखिलेश यादव ने शाम को जारी किया और उस लेटर में अखिलेश यादव साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी को, मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी को, अरे मैं धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी को कि उन्होंने इस यात्रा के लिए मुझे निमंत्रित किया है। लेकिन साथ में अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि भारत भौगोलिक विस्तार से ज्यादा एक भाव है। इस लाइन में छुपे हुए एक तंज को समझिए कि किस तरीके से राहुल गांधी के पैदल मार्च को लेकर बोला गया कि भारत एक भौगोलिक विस्तार से ज्यादा एक भाव है। तो चलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग है हमारे सहयोगी पूजा मोहन पांडे की, आप यहाँ पर सुन रहे थे। और ये जो यात्रा है अब वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एंटर होने जा रही है, कश्मीरी गेट से यात्रा शुरू हुई। राहुल गांधी की झलक आपने यहाँ पर देखी और आपने तस्वीरों में देखा राहुल गांधी और काफी संख्या में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। और फिलहाल अभी आगे भी जानकारी हम अपने सहयोगी पूजा मोहन पांडे से हम लेंगे फिलहाल कि अभी फिलहाल वहां पर ये यात्रा जो है किस तरीके से किन किन पड़ावों से होते हुए यूपी में एंटर हो रही है और क्या कुछ इसके अब मायने जो है वो, यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर कि कांग्रेस का जनाधार ना के बराबर होता गया और ये बात कांग्रेस को भी भलीभांति पता रही, लेकिन अब ये भारत जोड़ो यात्रा क्या कांग्रेस की यूपी में तस्वीर और तकदीर आगे चलकर बदल पाती है ये तो फिलहाल वक्त बताएगा, आने वाला वक्त। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद यहां पर कांग्रेस कहती आई है, राहुल गांधी कहते आए हैं, उसका मकसद कितना यहां पर मुकम्मल हो पाता है और यूपी जो कि कांग्रेस के लिए कई बार एक परीक्षा का केंद्र हमेशा रहा है, एक बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए रहा है क्योंकि एक वो वक्त था जब कांग्रेस का यह जनाधार जो है वो काफी मजबूत हुआ करता था, लेकिन मौजूदा दौर में अगर कांग्रेस की यहां पर बात की जाए तो वो हर किसी को पता है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाते चलेंगे क्योंकि अभी यात्रा जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है और इस पर भी आप तक पूरी जानकारी जो है वो हम यहां पर पहुंचाएंगे कि फिलहाल किस तरीके से यात्रा किन किन पड़ावों से होती हुई गुजर रही है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यहां पर आपको बता दें, वीर संतोष कई चरणों में करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक की जाएगी, बैठक में सभी प्रदेश प्रवक्ता शामिल होंगे, प्रदेश के मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे, पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में बैठक होगी, वीर संतोष कई चरणों में ये बैठक करेंगे, तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। और तौकीर किदवई संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी, कितने बजे ये बैठक शुरू होगी और क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये बैठक कल से शुरू हुई थी, अलग अलग चरणों में बैठक की जा रही है। बी एल संतोष जो संगठन मंत्री है उन्होंने इस बैठक को लेना शुरू किया है और आज सबसे बड़ी बात है कि आज इस बैठक में जो प्रवक्ता है, जो सोशल मीडिया की टीम है, वो सबसे पहले बी एल संतोष के साथ बैठेंगे और उनके साथ बैठक करने जा रहे हैं। इसके बाद जो हारी हुई सीटें हैं, जो लोकसभा में 14 सीटें जो भाजपा हार गई थी, वहां के जो प्रभारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का दिन पूरा बैठक में गुजरेगा। अधिकारी हैं, प्रभारी हैं, वो सब भी आज लखनऊ पहुंचे हैं।
और आज वो उस संगठन का हिस्सा होंगे। फिलहाल जो संतोष के बारे में कहा जा रहा है कि वो आज कई चरणों में बैठक लेंगे और जो अलग अलग पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठेंगे। तो फिलहाल सबसे पहली बैठक जो है वो सोशल मीडिया की टीम और प्रवक्ताओं के साथ करने जा रहे हैं। ठीक, मंत्रियों के साथ भी बैठक होगी ऐसी जानकारी? देखिए अभी मंत्रियों के साथ निर्धारित नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कल ऐसी भी बैठक हो सकती है जिसमें कुछ मंत्री पदाधिकारी जो बड़े पदाधिकारी हैं वो शामिल हो सकते हैं। जबकि दो दिन पहले देखा गया था कि एक छोटी सी बैठक हुई जिसमें कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो मंत्री भी हैं, तो उनको बुलाया गया था उस बैठक में और वो लोग बैठक में शामिल हुए थे। फिलहाल आज जो है वो भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता है उनके साथ और जो सोशल मीडिया की टीम है उसको कैसे एक्टिवेट करना है उसको लेकर आज बैठक होगी। चलिए आप नजर बना रखिए, तौकीर आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है वो आपको बता दें, लखनऊ से आ रही बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, एसएसपी को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया था। तो सीजीआई एसएसपी पर कल बुधवार को सुनवाई होगी। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। तौकीर, फिलहाल अब कल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जब हाईकोर्ट का फैसला आया था जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले को ओबीसी स्थानीय निकाय समर्पित आयोग पर गठन कीजिए और इसके अलावा 31 जनवरी से पहले चुनाव कराइए, इसके बाद से भाजपा सरकार ने आयोग का गठन कर दिया, लेकिन चुनाव को रोकने के लिए एक एसएलपी फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर 1 तारीख को उसमें सुनवाई हुई और 4 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। लेकिन अभी उस फाइल को लिस्टिंग करने के लिए यानी कि उस पूरे मामले को सुने जाने के लिए अभी कल सुनवाई होगी बुधवार को। फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है क्योंकि अगर बुधवार को ये फाइल अगर ये केस लिस्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत के साथ जरूर लेगी भाजपा सरकार, लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो इसके लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और अगर खारिज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से तो फिर जो हाईकोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि जो भी ओबीसी चुके हैं उनको सामान्य माल से चुनाव कराए, अगर पता होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत भरा होगा भाजपा के लिए क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है और ओबीसी के लिए ही जद्दोजहद जारी है। फिलहाल सभी जो जो राजनीतिक दल है उन्होंने इस पर पूरी तरह से भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की है कि कैसे भी करके इस ओबीसी मुद्दे को बुलाया जाए क्योंकि 2024 में एक बड़ा मुद्दा होगा। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट सबकी निगाह टिकी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है और इस जो सुनवाई है उसको आगे बढ़ाता है या फिर खारिज करता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई कल होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ यह याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस बीच बता दें आपको उच्च शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय शिफ्ट होगा। मुख्यालय को लखनऊ शिफ्ट करने की तैयारी की गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शासन स्तर से पत्र भेजकर प्रस्ताव मांगा गया है, निदेशक को पत्र भेजकर यह प्रस्ताव जो है वो मांगा गया है। दिनेश सिंह संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, उच्च शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय शिफ्ट होगा लखनऊ में? देखिए फिलहाल जो उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव हैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव आया है और जो उच्च शिक्षा निदेशक यहाँ के हैं उनको भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि तत्काल इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद जवाब भेजा जाए। जाहिर सी बात है कि मंशा साफ है कि प्रयागराज से ये कार्यालय एक बार फिर लखनऊ शिफ्ट करने की बात इसमें कही गई है, उसी को लेकर के आज निदेशक की तरफ से प्रस्ताव भेजा जाएगा। क्योंकि जो भाषा इस्तेमाल की गई है इसमें वो थोड़ा सा जिसको लेकर आपत्ति भी है यहाँ के कर्मचारियों की कि तत्काल भेजा जाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इस बार शासन की मंशा पूरी तरीके से इस कार्यालय को लखनऊ शिफ्ट करने की है। बने रहिए दिनेश आप हमारे साथ। तो फिलहाल अब विशेष सचिव डॉक्टर अखिलेश मिश्र ने पत्र जारी किया है, उच्च शिक्षा निदेशालय का मुख्यालय ये शिफ्ट होगा लखनऊ में। फिलहाल मुख्यालय को लखनऊ शिफ्ट करने की तैयारियां जो हैं वो यहां पर की गई है।
एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी प्रयागराज से ही आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्गा शंकर मिश्र का प्रयागराज द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा जो है वो करेंगे दुर्गा शंकर मिश्र। अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव बैठक लेंगे दुर्गा शंकर मिश्र का प्रयागराज द्वारा। दिनेश संवाद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, दुर्गा शंकर मिश्र का जो प्रयागराज द्वारा, कितने बजे पहुंच रहे हैं वहां पर? दिनेश कितने बजे पहुंच रहे हैं दुर्गा शंकर मिश्र प्रयागराज दौरे पर? 11 बजे के आसपास उनका यहां पर हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद में वो मीटिंग करेंगे अधिकारियों के साथ में। माघ मेला क्षेत्र में जाएंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे, क्योंकि 6 जनवरी से प्रयागराज का माघ मेला शुरू हो रहा है, उसी की तैयारियों को लेकर के मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश यहां पर आ रहे हैं, जिनकी अधिकारियों के साथ में आप अहम बैठक है। माघ मेले को लेकर तैयारियां किस तरीके से वहां पर की जा रही है, सुरक्षा के किस तरीके के बंदोबस्त वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए, माघ मेला को चूंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि 2025 के महाकुंभ का रिहर्सल माना जाए, उसी को लेकर शासन की तरफ से तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। लगभग 75% तैयारियां हो चुकी हैं, 25% अभी तैयारियां बाकी हैं। उन्हीं तैयारियों की समीक्षा के लिए यहाँ पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आ रहे हैं आज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो माघ मेले की तैयारियों का यहाँ पर जायजा लिया जाएगा, अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव बैठक भी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें यूपी में ठंड का कहर जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीतलहर के चलते स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जी, निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर बलिया में 1 से 8वीं तक के कक्षा स्कूल जो है वो 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं के स्कूल जो है वो 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। लखनऊ में सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रयागराज में 5 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। बढ़ती ठंड की वजह से ये निर्णय जो है वो लिया गया है, सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद यहां पर रहेंगे। खासकर प्रयागराज में 5 जनवरी तक सभी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। शीतलहर के चलते स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बलिया में 1 से 8वीं कक्षा जो है कक्षाएं जो है वो 14 जनवरी तक बंद रहेंगी। तो सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे, क्योंकि बढ़ती ठंड की वजह से ये निर्णय लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं, यूपी में ठंड का कहर लगातार जारी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 9वीं से 12वीं के स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। लखनऊ में सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। लखनऊ से आ रही है, जहां पर एसपी प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा अल्दवानी। सांसद एसटी अफसन करेंगे मंडल का नेतृत्व। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से जहां पर सपा प्रतिनिधि मंडल आज अल्दवानी पहुंचेगा। तो सपा प्रतिनिधिमंडल आज अल्दवानी पहुंचेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सांसद एसटी अफसन मंडल का नेतृत्व करेंगे। बता दें, रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का ये पूरा मामला है। तो सपा प्रतिनिधिमंडल आज अल्दवानी पहुंचेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सांसद एसटी अफसन मंडल का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से आ रही है, स्वास्पा पूर्वांचल संगठन की मासिक बैठक आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मासिक बैठक केंद्रीय कार्यालय रसड़ा बलिया में ये बैठक जो है वो होगी। और बैठक में नगर निकाय चुनाव संगठन पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो बसपा पूर्वांचल संगठन की ये मासिक बैठक आज होने जा रही है, केंद्रीय कार्यालय रसड़ा बलिया में ये बैठक होगी। तो बसपा पूर्वांचल संगठन की मासिक बैठक आज होने जा रही है, केंद्रीय कार्यालय रसड़ा बलिया में। बैठक में नगर निकाय चुनाव संगठन पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो गलन भरी सर्दी और कोहरे ने अपना सतम दिखाना शुरू कर दिया है।
कोहरा रेलवे की ट्रेनों के पहियों पर भी ब्रेक लगाने का काम कर रहा है। कोहरे के कारण सभी ट्रेनों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, तो गलन भरी सर्दी यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। आगरा से गुजरने वाली लगभग 10 ट्रेन अपने समय से घंटों देरी से चल रही है, तो वहीं यात्री अपनी ट्रेनों का घंटों से इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते यात्रियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। यात्रियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ट्रेन लेट होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगरा डिवीजन का जो सेक्शन है पलवल से लेके झांसी तक, इधर काफ़ी ज़्यादा फॉग पड़ने वाला रीजन है। इस वजह से फॉग की वजह से एक्सट्रीम कोल्ड है, फॉग है, जिस वजह से ट्रेन लेट हो रही हैं। पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहां पे भी कवर हो सके वहां पे ट्रेनों को कवर करें और यात्रियों को असुविधा कम हो। जिस तरीके से आगरा कैंट है, मथुरा है, और जो भी आगरा डिवीजन में आता है, लेकिन यात्रियों को बहुत ठंड के चलते बहुत बच्चे भी होते हैं, तो उसके लिए अलावरा की भी कोई व्यवस्था है आप लोगों? अलाव की व्यवस्था सिविल प्रशासन द्वारा करी जाती है, बट रेलवे के द्वारा भी प्रयास किया जाएगा कि यात्रियों के इस परेशानी को हल किया जा सके। ताजनगरी आगरा में गलन भरी और कड़ाके की ठंड के बाद ट्रेनों की रफ्तार भी थमती दिखाई दे रही है। यहाँ पर लगभग 8 से 9 घंटे ट्रेनें लेट चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, समता एक्सप्रेस है, सीधा एक्सप्रेस, और आप पीछे देखिए यहाँ पर लातेहार घंटों से यहाँ पर भिक्षा में कटे हुए। हम कुछ यात्रियों से बात करना चाहेंगे। सर, कितना घंटा हो गया? मेरे को 2 घंटा मेरा ट्रेन लेट चल रही है। मैं 10 बजे से बैठा हूँ, 12:15 मेरी ट्रेन दिखा रही है, जबकि उसकी टाइमिंग 11:15 था। जी जी, 2 घंटे से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। तो ये यात्रियों की व्यथा है, और रेलवे लगातार कहता है कि वो यात्रियों की सुविधाओं के लिए तमाम कवायदें करता और कोशिशों करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमने क्वारी से बात की, इंक्वायरी पे जाना, तो वहाँ पर 8 से 9 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं, और आप पीछे डिस्प्ले देख रहे हैं, डिस्प्ले पे भी साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड बहुत है, छोटे बच्चे हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यात्रियों के साथ आ रहे हैं, तो बहुत सारी परेशानियां हैं जो जूझ रही है। और यात्रियों से कुछ क्वेश्चन बात करना चाहेंगे सर? सर्दी में परेशानी हो रही है? सर्दी में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है सर, लेट चल रही है, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया। मैं 7-8 बजे आगरा पहुंचना सी, हम इतनी लेट हो गई, आउटर पे भी कम से कम आगे गाड़ी के गेट के पास से कम 1.5-2 घंटा खड़ा रहा मैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। ये देखिए, ये यात्रियों की व्यथा है, और यात्रियों का साफ साफ तौर पर कहना है कि रेल मंत्रालय, रेल विभाग दावे करता है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए और ट्रेनों को त्वरित से तरीके से चलाया जाएगा, उनका परिचालन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था है ध्वस्त दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड है, गलन है, कोहरा है, कोहरे के चलते ही सारी गाड़ियाँ रफ्तार थमती हुई दिखाई दे रही है ट्रेनों की। इसके साथ ही जो गाड़ियां हैं वो लगभग 8 से 9 घंटे देरी से चल रही हैं। ब्राउन जीरो से प्रदीप बाबा, जिंदा डीवी आगरा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, स्टेट सेमिनार आयोजित, इस वक्त की बड़ी खबर। सेमिनार में शामिल होंगे सीएम धामी, पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। नबार्ड ने इस सेमिनार का आयोजित किया है, तो आपको बता दें स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजित। अजीत कांबोज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजित यहां पर किया जा रहा है, आज मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सेमिनार में शामिल होने जा रहे हैं। नाबार्ड जो केंद्रीकृत संस्था है और लगातार कई योजनाओं में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है, इसको लेकर एक बड़ा आयोजन राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में हो रहा है। क्रेडिट सेमिनार इसको नाबार्ड की तरफ से नाम दिया गया है, और इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो उम्मीद है कि कई बड़े फैसले के, बड़ी योजनाओं को इसमें सामने लाया जा सकता है, और 11:15 के लगभग का एक कार्यक्रम समय था, और अब से कुछ ही पलों बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, तो उम्मीद है कुछ बेहतर निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कंबोज इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।